अवैध खनन पर विपक्ष ने सदन में नारेबाजी करते हुए बैक आउट कर दिया। विपक्षी सदस्यों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया। इसके साथ ही विपक्षी सदस्य वापस सदन में लौट भी आए। कुछ देर के लिए सदन के भीतर गहमागहमी बनी रही। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर व नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के बीच नोकझोंक भी हुई। अवैध खनन पर विपक्ष ने सदन में नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर दिया। विपक्षी सदस्यों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया। इसके साथ ही विपक्षी सदस्य वापस सदन में लौट भी आए। कुछ देर के लिए सदन के भीतर गहमागहमी बनी रही। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर व नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के बीच नोकझोंक भी हुई। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने इससे पहले सवान नदी में रेत खनन की अवैध कारोबार का मुद्दा उठाते हुए सरकार से इसका जवाब मांगा। अग्निहोत्री ने अवैध खनन के जरिए अराजकता फैलाने की भी बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ सरकार अवैध खनन से इनकार करती है तो दूसरी तरफ सरकार के ही मंत्री रेड करते हैं। उन्होंने कहा कि जब विभाग इनकार कर रहा है तो मंत्री रेड किस बात के लिए कर रहे हैं। अग्निहोत्री ने सीएम जयराम ठाकुर से इस बात का भी आग्रह किया है कि संबंधित मंत्री हमारे साथ मौके पर मुआयना करें। इस पर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में 71 लीज दी गई, जबकि हमारी ओर से 24 लीज प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने लगातार रेड की है और जुर्माना भी ठोका है। सीएम जयराम ठाकुर ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि अवैध खनन की किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी, वहां बटालियन भेजने की बात पर गौर करेंगे। पे आए लेकिन पुलिस मौके पे जाती नहीं, वहाँ के एसपी जो है कुर्सी से उठते ही नहीं है। क्या मिली भगत है कि वहाँ पे जो है कोई भी अधिकारी जो है स्वा में नहीं जा रहा है और अखबारें लदी हुई आ रही हैं। हम अकेले नहीं कह रहे हैं, कोई भी अखबार देख लो आप, रोज लद के आ रहा है कि वहाँ पे माइनिंग कैसे स्वा में पोकलैंड और जेसीबी नहीं जा सकती। आप बताए पोकलैंड और जेसीबी आप कब स्वा को इनसे मुक्त कराएंगे? इतनी जेसीबी है वहाँ पे और उसके बाद वहाँ पे डंप्स लग गए, डंप्स लगाए नहीं जा सकते। भारी भरकम डंप्स लगे हुए हैं और उसके बाद 9 टन ट्रक पास था। आपने जो है 50 टन 60 टन 24 टायरी 20 टायरी 16 टायरी ऐसी गाड़ियां आ रही है पूरे नॉर्थ में, पूरे पंजाब से, पूरे पंजाब के जितने भी बॉर्डर्स हैं आप देखें वहां पे चलना मुश्किल हो गया है। 1 मिनट की सर्विस है, 1,000-1,500 ट्रक रोज निकल रहा है। एक ट्रक वाले से 8,000 लिया जा रहा है और वहां पे वीडियोस चल रहे हैं जिसमें कि आप लोगों ने वीडियोस जारी किए जिसमें लोग कह रहे हैं हिमाचल बॉर्डर हम क्रॉस करवा के देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, हमारी सरकार है, हम आपको बॉर्डर क्रॉस करा के देंगे। जब 8 बजे से सुबह 6 बजे तक माइनिंग नहीं हो सकती, 8 बजे से सुबह 6 बजे तक माइनिंग हो नहीं सकती, सारी रात माइनिंग हो रही है। लोग वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, सारे जिले में हाहाकार मचा हुआ है और ये कह रहे हैं कि आपके समय में ऐसा हुआ वैसा हुआ। भाई आप हमारे समय में जो भी हुआ आप सारी लीजेस रद्द कर दें, हमने भी किया, हम तो बाहर हैं, आप सारी लीजेस रद्द कर दें। लेकिन आप इस ढंग से, आपके लोग शामिल हैं, आपकी पार्टी के लोग जो कि यहाँ सरकारी गाड़ियों में कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, उन लोगों ने वहाँ पे जो है अराजकता फैला दिया, आतंक फैल गया है, पूरा जिला जो है आपने इसकी चपेट में ला दिया है। हम इनसे एक सिंपल मांग कर रहे हैं कि भाई आप वहाँ पे बटालियन लगाओ, 24 घंटे की वहाँ पे जो है निगरानी हो, धर्म कांटे लगाओ, आप वहाँ पे बॉर्डर पे जो है बैरियर्स लगाओ। ऊना के एसपी को हम दोनों एमएलए वहाँ के कितनी बार बोल चुके हैं, कितनी दफा हम फोटोग्राफ भेज चुके हैं और उसके बावजूद जो है इस तरीके का नंगा नाच वहाँ पे चल रहा है।